हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त अज्जू कपूर। होप यू आर डूइंग वेल। मैं भी खुश हूं, मस्त हूं, मजे में हूं। पता है रात को मैं एक शादी में गई तो क्या देखा मैंने वहां शादी में। आप लोगों को पता है कि जब तक मेरे दिल की बात मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करती मुझे चैन नहीं पड़ता। पर दोस्तों ये बात तो सच में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली है। मेरा मन बहुत ज्यादा दुखा वो चीजें देख के जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हम लोग शादी में गए, क्या खूबसूरत डेकोरेशन थी, क्या पंडाल थे और अंदर अलग अलग खाने के स्टॉल्स लगे हुए थे जिसमें इंडियन, मैक्सिकन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल हर तरह का फूड था वहाँ पे। नहीं, मेरा टॉपिक शादी में डेकोरेशन या स्टॉल्स का नहीं है, मेरा टॉपिक है वेस्टेज ऑफ फूड। जी, मैंने वहाँ पे ना बहुत वेस्टेज देखी खाने की, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मेरा दिल किया कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों के साथ बातचीत करूं कि इस चीज़ की वेस्टेज, जो खाने की वेस्टेज है वो हमें रोकनी चाहिए। लोग खाना ले रहे हैं, भरी हुई प्लेटें वहाँ डस्टबिन में फेंक रहे हैं और बच्चे हैं, बच्चों का दिल कर रहा है, लिया नहीं अच्छा लगा चल फेंक दिया, लिया नहीं अच्छा लगा चल फेंक दिया। अरे भाई क्यों करते हो ऐसा, किसी का पैसा लगा हुआ है, ठीक है ना। अगर आपको खाना नहीं खाना तो आपको पता है सब जगह पे प्लेट सिस्टम होता है, तो मतलब आप क्यों लोगों का फिर वो खर्चा इस तरह से कर रहे हो। आपको नहीं खाना मत लो, जितना खाना है उतना लो। वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में अन्न को देवता माना गया है, अन्न की पूजा होती है हमारे यहाँ, तो हम लोग उसका कैसे निरादर कर रहे हैं। ये चीज बच्चों को घर से सिखानी चाहिए, इसको हम इसी तरीके से रोक सकते हैं। घर में जब हम बच्चे को खाना देते हैं, बच्चे ने नहीं खाया, ठीक है रख दे मैं खा लूंगी। माँ तो वैसे भी एक डस्टबिन की तरह ही मानी गई है कि जो बच्चे ने नहीं खाया माँ के पेट में चला जाता है। एक तो आप अपनी हेल्थ का नुकसान कर रहे हो, दूसरा बच्चों की आदतें बिगाड़ रहे हो, बच्चों को जूठा छोड़ने की आदतें डाल रहे हो। तो ये चीजें घर से बच्चों को आदत डाल लो कि बेटा थोड़ा ले लो, फिनिश कर लो, फिर उसके बाद और ले लेना। एक बार प्लेट भर के नहीं खाया गया तो उसको फेंकने की बजाय। तो मेरे हिसाब से ये चीजें हम बच्चों को अपने घरों में सिखा के ही इसको रोक सकते हैं, बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते हैं हम लोग इस चीज को, लेकिन जितना हो सके रोक तो सकते हैं ना। तो अन्न का निरादर करना, अन्न की वेस्टेज करना प्लीज बंद कर दो। तो ठीक है, चलती हूँ, मिलते हैं नए दिन नए टॉपिक के साथ। तो देखते रहिए द अज्जू कपूर शो ऑन पॉपकॉर्न फ्लिक्स इंडिया पर। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरी वीडियोस लगातार देखने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए ठीक है, गलती माफ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।